मेरा नाम अमित कुमार कुमावत है। मैं पलसाना सीट का रहने वाला हूँ और इस साल मेरा नीट 2024 में एक्सपेक्टेड स्कोर 7.5 है। सीएलसी के बारे में आपको कैसे पता चला? सीएलसी के बारे में मेरे को पहले सोशल मीडिया से पता चला और फिर मेरे अंकल ने भी बताया कि बहुत अच्छी कोचिंग। ओके, जब आप सीएलसी में आए तब क्या उम्मीदें लेकर आप आए? मैं यहाँ पे केवल सिलेक्शन की उम्मीद लेके आया था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे रैंक के साथ यहाँ। सीएलसी के सिस्टम ने आपको इतना अच्छा स्कोर करने में किस तरीके से मदद करी? सीएलसी के सिस्टम ने हमेशा मेरा साथ दिया और क्या नाम है, जो भी मेरे डाउट होते थे वो एकदम टाइम पे सॉल्व हो जाते थे। और बॉस और साहिल सर सब नॉर्थन सर सब हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। सीएलसी के जो असेंबली है, नाइट कैंप है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कैसे मदद करते हैं अच्छा स्कोर करने में? असेंबली में बॉस हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे और हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे। हनुमान चालीसा का पार्ट जिसे स्ट्रेस फ्री रहता था। और नाइट कैंप में क्या नाम है, 7 से लेकर 12 बजे तक हम पूरी रात को पढ़ते रहते थे, वो भी अवल। सीएलसी में एनवायरनमेंट कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसी है? सीएलसी की हॉस्टल लाइफ बहुत बढ़िया है और क्या नाम है, अच्छा खाना मिलता है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। अच्छा, आने वाले समय में अगर कोई नीट एस्पिरेंट सीएलसी ज्वाइन करता है तो उसके लिए आपका क्या मैसेज? अगर कोई सीएलसी आना चाहे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता पढ़ाई के लिए और रैंक के लिए। अगर कोई रिपीटर होता है जिसने कुछ नंबर से ही अच्छा कॉलेज मिस कर दिया हो तो उसे क्या? मैंने भी 2023 में क्या नाम है 601 मार्क्स आए थे और तब मेरे को भी रिपीटर बनना पड़ा, लेकिन अब बहुत अच्छा फील हो रहा है, तब बढ़िया मार्क्स आए। सीएलसी की फैकल्टीज कैसी है? फैकल्टीज हमेशा सपोर्टिव रहती है और जो आप बोलते हो आपके डाउट बताती है और आपको हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं।